चलिए शुरू करते हैं अंजूर की बर्फी बनाना। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये है अंजूर, इसे मैंने 5 घंटे भिग कर रखा है, देख सकते हैं अच्छे से भीग गए हैं ये। तो आप बिना भिगोए ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं, पर भिगोने से इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। 500 ग्राम मैंने अंजूर लिया है, 100 ग्राम खजूर लिया है बीच हटाकर, और 200 ग्राम जितना मैंने किशमिश लिया है जिसे मुनक्का भी कहते हैं वही है। और अब हम इसे सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड करूंगी मिक्सी में। मैंने यहाँ पर घी डाला है, करीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है घी। अब हम इसमें डालेंगे अंजूर का ये पेस्ट। मिक्सचर को रोस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए उसके बाद हमें इसमें डालना है किशमिश और खजूर। क्योंकि इसमें मैंने पानी में भिगो के नहीं रखा है ये, इसलिए ये सूखा है। इसे मैंने पानी में भिगो कर रखा था ना, इस कारण ये थोड़ा सा मॉइस्ट है। इसका मॉइस्चर जो है पूरा निकल जाना चाहिए, हमें इसे तब तक रोस्ट करना है। क्योंकि अंजूर जो है ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है, किशमिश जो है ये भी स्वीट होता है, और ये जो है खजूर है ये भी स्वीट है, इस कारण ये काफ़ी है स्वीट के लिए। इसमें हम स्वीट के लिए शुगर ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए काफ़ी हद तक इसका मॉइस्चर जो है उड़ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे किशमिश का मिक्सचर और साथ में ये खजूर का मिक्सचर। अब इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है हमें। आप चाहे तो इस वक्त थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, मैं 1 टीस्पून और थोड़ा सा घी डालूंगी इसमें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कूटी हुई बादाम, यानी मैंने इसे दरदरा कूट लिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप कट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, दरदरा ग्राइंड कीजिएगा। तो इसे इसमें मिक्स करूँगी। इसे फिर से हमें कम से कम 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उससे पहले मैं इसमें और 3-4 टीस्पून घी डालूँगी ताकि बर्फी में थोड़ा सा शाइनिंग आए और खाने में टेस्ट भी लगेगा ये। तो करीबन 3 से 4 टीस्पून मैंने घी डाला है। बर्फी को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, अब ये जमने के लिए रेडी है। करीबन 1 घंटा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक ठंडा हो जाएगा, तो आप इसे काट काट करके खा सकते हैं।